ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, एएमसी स्टेटमेंट, किसी भी फंड हाउस का एएमसी स्टेटमेंट अगर किसी क्लाइंट को चाहिए तो कार्वी से कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो में ये पता चलेगा। तो पहले हम लोग उसकी साइट पे जाएंगे जो है KFINTECH, KFINTECH। इसमें हम लोग यहाँ पे ऐसे जाके लॉग इन करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद हमें हम जाएंगे म्यूचुअल फंड सर्विसेज, एमएफ सर्विस। हाँ, ये वाली, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे म्यूचुअल फंड सर्विसेज पे। म्यूचुअल फंड सर्विसेज के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज पे जाएंगे, यहाँ पे आर ओ सी। यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा, वो देना है। और यहाँ पे साइन इन करेंगे, यहाँ पे साइन इन करने के बाद हम लोग जाएंगे क्वेरीज में। क्वेरीज में यहाँ पे अब किसी भी एक ऑप्शन से हम किसी क्लाइंट का, पहले यहाँ पे फंड सिलेक्ट करना होगा, सपोज कौन से फंड हाउस का आपको स्टेटमेंट चाहिए। तो सपोज मैंने सिलेक्ट किया एक्सिस म्यूचुअल फंड का फंड हाउस, और यहाँ पे कोई भी एक प्रूफ देना होगा किस क्लाइंट का चाहिए। तो सपोज एप्लीकेंट नेम से हम सर्च करते हैं, क्लाइंट का नाम डालेंगे, फर्स्ट फोर लेटर्स बस डालने से हो जाएगा। यहाँ पे इनका डिटेल्स आ गया, पार्था प्रतीम चौधरी। इनका हम स्टेटमेंट अगर चाहिए तो यहाँ पे समरी निकलता है, डिटेल निकलता है, कौन से पीरियड तक का चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट भी निकलता है। सपोज समरी में गए, यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट का ऑप्शन है, स्टेटमेंट व्यू करेंगे। इनका यहाँ पे दिख जाएगा कौन कौन किस एक्सेस थी, कौन कौन से फंड हाउस में, कौन कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट है, वो हम देख लेंगे। यहाँ से व्यू स्टेटमेंट करेंगे, ये स्टेटमेंट यहाँ पे जनरेट हो गया। ये क्लाइंट को हम लोग यहाँ से, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है, डाउनलोड करके ये स्टेटमेंट हम लोग क्लाइंट को मेल कर सकते हैं। ये कार्वी से अगर किसी फंड हाउस का देखना है तो ये सिर्फ कार्वी के लिए था। थैंक यू।